आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। सावन के अंतिम सोमवार में भक्तों की उमड़ी भीड़, मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतारें। नवागढ़ में स्थित भगवान शिवलिंग की अंतिम सोमवार को शिव भक्तों को भारी भीड़ देखने के दर्शन करने पहुंची हुई थी। शिवलिंग पर भक्तों ने जल, चावल, दूबी, बेलपान, दूध, धतूरा, भाग, नारियल, अगरबत्ती, घी का दिया जलाकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले से 25 किलोमीटर पर लिंगेश्वर नगरी नवागढ़ नगर पंचायत स्थित यह भूफोर शिवलिंग, जिसकी ऊंचाई 4 फीट 5 इंच है और पुजारी एवं भक्तों के कथा अनुसार शिवलिंग जमीन से स्वतः प्रकट हुआ है। पुजारी एवं नगरवासियों ने इस भूफोर शिवलिंग को कई सौ वर्षों का पुराना होना बताया, जो बरगद पेड़ के नीचे प्रकट हुआ है, और मोहल्ले वालों ने उस शिवलिंग को 100 फीट खोद कर भी देखा है, जिसका कोई सुराग भी नहीं मिल पाया। और हर वर्ष इस शिवलिंग की ऊंचाई बढ़ती है, जो आज 4 इंच 5 फीट का हो चुका है। इस वजह से मंदिर की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक पहुंच चुकी है, जिससे भक्त बहुत दूर दूर से दर्शन करने पहुंचते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से भगवान भूफोर शिवलिंग की आराधना करने से सभी मन की मुरादें पूरी होती है, बल्कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं होता, उनको भी यहाँ शिवलिंग की पूजा अर्चना से संतान प्राप्ति होता है। नवागढ़ के कहरा समाज, जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वेच्छानुसार भक्तों को भोजन दान किया, चंद झूलों के अलावा पूरा मेला लग नहीं पाया। छत्तीसगढ़ जानकी नवागढ़ राजा भाटा से बालेश्वर को सपी। नमस्कार, मैं बालेश्वर कुमार कश्यप, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। आज आ चुके हैं लास्ट सोमवार जो सावन का चल रहा है, और आज लिंगेश्वर नगरी जांजगीर जिला से 25 किलोमीटर दूरी आए हुए हैं, जहां पर भक्तों का लगा रहता और बात करते हैं, जहां पर लाइन लगा है और भक्त द्वारा लगा है, कहाँ से आए हैं और किस मान्यता करते हैं भोलेनाथ का, और किस तरह से उसको मानते हैं, जानकारी लेते हैं। माता जी, आप कहाँ से आए हो और कहाँ पर है, आप बताइए। जी, मैं संतोष कुमार साहू, ग्राम पौड़ी, पूर्व सरपंच। आज लिंगेश्वर महादेव नवागढ़ के दर्शन के लिए आए हैं, और आज श्रावण मास के अंतिम सोमवार है, इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। लोग बहुत दूर से लाइन लगा के आए हैं और दर्शन के लिए बस मंदिर के नज़दीक पहुंच गए हैं। और एक भक्त मौजूद है हमारे पास, कितने दूर से आए हैं भोलेनाथ का दर्शन करने, उससे जानकारी लेते हैं। महोदय जी, आप कहाँ से आए हो दर्शन करने? और जय भोलेनाथ, मैं नागपुर से आया हूँ दर्शन करने के लिए। सुना था यहाँ के लिए भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और यहाँ की भांति भी मालूम थी, तो बोल रहे थे वहाँ पर मंदिर लगता है, पूजा मेला वगैरह लगता है अच्छा करके, इसलिए हम लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए, भगवान का दर्शन लेने के लिए। हाँ, लिंगेश्वर मंदिर के सामने हमारे नगरवासी मौजूद है और जानकारी लेते हैं आज आखिरी सोमवार सावन का, और किस तरह से देखते हैं भगवान को और किस तरह से मानते हैं, बताइए महोदय जी। ये हमारे नवागढ़ के बहुत ही पुराने मंदिर, और इस लिंगेश्वर में हम लोग सब दूर रख के हम लोग सब हर सावन सोमवार को यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, और इसमें मेला के टाइप लगा रहता है। इसमें महाशिवरात्रि में भी बहुत बड़ा मेला लगता है, और इसके साथ साथ सावन सोमवार के जो आज लास्ट सावन सोमवार है, उसमें हमारे गांव के सभी लोग के द्वारा दर्शन किया जाता है, और इसमें मनोकामना पूरा होता है। आपका परिचय महोदय जी? मेरा नाम अब्दुल वहाब है, मैं नवागढ़ से हूँ। हमारे पास जो लिंगेश्वर भूफोर भगवान का पुजारी मौजूद है, और उससे जानकारी लेते हैं, आज आखिरी सोमवार है जो सावन का 2021 का, बताइए महाराज जी, मंदिर कितने दिन के है और भोलेनाथ कितने दिन के यहाँ बैठा हुआ है, कि भूफोर निकला हुआ है जो कहते हैं यहाँ का लोग भूफोर भगवान कहते हैं, ये सच्चाई क्या है बताइए। मंदिर को बना हुआ 65-70 साल हो गया है, और ये जो मंदिर जी निकला हुआ है वो करीब 100 साल हो गया है। आज जो सावन सोमवार है, और कितना भीड़ लगा हुआ है, कितने जो भक्त आए हैं यहाँ पर, आप कितने दूर से लाइन लगा, कितना फीट होगा? बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, और भीड़ यहाँ सीढ़ी से नीचे लगा हुआ है। और जो भोलेनाथ है भूफोर भगवान, जो जमीन फोड़ कर निकला हुआ है, वो कितने फीट का है, कितने इंच का है? वो 5 फीट 7 इंच का है। सावन का चौथा सोमवार और आखिरी सोमवार है। आज जो भीड़ लगा वो तीनों सोमवार में नहीं था, ऐसा यानी हमको पता चला। विशेषता यह है कि यानी यहाँ जो आते हैं मनोकामना के लिए, सभी का भगवान भोलेनाथ लिंगेश्वर नाथ जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं।
इसीलिए भक्तों का यहाँ भीड़ लगा रहता है। ये भगवान जो शिवलिंग है 4 फीट 4.5 फीट तक है लंबाई इसका, मोटाई को पकड़ना चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे, इतना मोटा है वो। मैं संत राम बरिया ग्राम जामपाली से हूँ, जनपद सदस्य हूँ और हम सारंगढ़ जिला से आए हैं दर्शन के लिए भोले बाबा का। ये लिंगेश्वर मंदिर है नावागढ़ का, मैं नावागढ़ स्टाफ हूँ विमला साहू और हम लोगों का ड्यूटी लगा है यहाँ मंदिर में। अच्छा लग रहा है, काफ़ी भीड़ है और जल भी चढ़ाए हैं, अच्छा है सब चीज़, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर भी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।